हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नया दिन नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी जा रही हूँ खाने एप्पल। मुझे पता नहीं है, मैं मुझे सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया बोलने में, तो मैं भी खाने जा रही हूँ एप्पल। और उसके बाद चलिए देखते हैं। लो ये मेरे लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, ये लोग शाम का नाश्ता कर रहे हैं और मुझे अभी चाय बनाने जाना है। तो मैं, ये लोग शाम का नाश्ता कर रहे हैं और आज सोचा कुछ अच्छा बनाने का। तो दो दिन से तबीयत तो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मगर आज चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। आज इमरान को जो पसंद है उनका चिकन दो प्याज़ा उनको पसंद है, तो सोचा आज वो बनाएंगे और साथ ही साथ नान बनाएंगे और उनको बना के देंगे ताकि वो भी थोड़ा खुश हो जाए। अच्छा खाना खाने से इंसान का दिल भी खुश रहता है और खुशी रहता है आदमी। तो आज सोचा वो करें। और उससे पहले चलिए अभी मैं चाय बनाने जाती हूँ, पहले चाय पियेंगे उसके बाद और क्या बताएं। तो जब कुछ अच्छा बनाने का सोचा जाता है तो मेरे दिमाग में सामान कहीं गड़बड़ हो जाता है। आज चिकन मंगाया तो आज मैंने प्याज नहीं मंगाया, पूरे आज प्याज आया ही नहीं। तो अभी मुझे थोड़ी लेट तक इंतज़ार करनी पड़ेगी कि जब तक इमरान आ नहीं जाते, वो सामान ले नहीं आते, तब तक मैं कुछ भी बनाने में हाथ नहीं लगा सकती। तो अभी मेरा टाइम वैसे ही जाए। तो अभी चलिए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद इमरान का आने का इंतज़ार करते हैं। दीवाना सा हो गया वो तो कह रहा है मुझे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा सामान आ गया, मैं जा रही हूँ उसको बनाने। चलिए फ्रेंड, अब बारी आती है सारे मसालों को एक जगह करके उसे ग्राइंड करने की। तो मुझे हो रहा था बहुत देर काम करने में, इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों से बातचीत नहीं की। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और इमरान भी आने में बहुत लेट कर चुके थे। इस वजह से मुझे यहाँ पे बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, इसलिए मैंने बात नहीं किया और इसका मैं वॉइस ओवर इसके लिए ही कर रही हूँ। तो अब मैं जल्द से जल्द इसके मसालों को एक बार ग्राइंडर में चला देती हूँ। और यहाँ पर जो ये जो ग्राइंडर की जो आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करती थी तो ये आपको आवाज़ मेरी सुनाई नहीं देती क्योंकि ये जो ग्राइंडर है वो मुझसे तेज़ बोलता है और मैं इसे थोड़ा सा स्लो। जो है वो फ्राई हो चुका है और इसमें मैं अदरक लहसुन भी डाल ही दिया है। और मैंने जो नया वाला अपना जो ट्राईपॉड मंगाया है, टाईगॉट नाम है उसका, मैंने जो नया वाला अपना ट्राईगॉट मंगाया है उसको रखने का कहीं पर भी मुझे जुगाड़ नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ सेट करूँ। सेट करने में दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए, मैं साथ ही साथ अपना बर्तन भी धो रही हूँ क्योंकि बर्तन भी धोना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे मसाले पक गए हैं, ये मैं भून रही हूँ जल्द से जल्द। मेरा चिकन तो रेडी हो चुका और अब मैं ये नान बनाने की तैयारी कर। हाँ तो फ्रेंड, मैं क्या कह रही थी कि मैं अपना नान बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जो मेरे नान हैं वो शेरमाल जैसे बन गए और मैं ये वाले फूले फूले से नहीं बने क्योंकि मैंने ईस्ट नहीं मंगवाया था। अक्सर मैंने जब भी ईस्ट डाल के बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा नान बनाया। तो दो बार मैंने ट्राई किया था तो बहुत अच्छे बने थे, आज पता नहीं क्यों शेरमाल जैसे बन गए हैं। माल जैसे बने हैं तो भी क्या हुआ, इमरान को तो पसंद आए ना, उन्हें खा कर बहुत मज़ा आया। ये देखिए, ये रहा मेरा सरप्राइज का चावल। पहले वो खाओ, पहले पराठा खाओ। सुत्ता मारो ना, तू पसंद नहीं।
कैसा लगा? निशान निशान छोड़ दो, सुलाए एक साथ। अरे अरे दे दो उसको, दे रहने दे ना उसको। ये मेरे कैसा लगा आपको? आपके लिए सरप्राइज था, पता है ना क्या है वो वाला? हाँ, कौन सा सालन बनाया पता है ना? हैं? चिकन अंगारा। चिकन दो प्याज़ा है, अंगारा पंगारा नहीं है। ठीक है, चलो हो गया मेरा ये सक्सेस। मुँह तो रोकिए जरा सा, मुँह रोकिए। थोड़ा सा ट्राई करके बताइए मम्मा को कैसा लग रहा है। अच्छा चिकन देंगे, पहले खाइए। हम्मी यम्मी है। अब मेरा इजू बताएगा कैसा है। इजू बताओ कैसा है। अच्छा है, खाने से पहले ही अच्छा है। खाने से पहले बोल दिया अच्छा है। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मम्मी। हाँ आप बोले नहीं, बहुत अच्छा है इसान, बहुत अच्छा। देखो तो सही, अब क्या बोले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इसलिए। हाँ तो फ्रेंड इन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा सरप्राइज इमरान को भी बहुत पसंद आया। मेरा आप वीडियो देखना और आप बताना कि आपको कैसा लगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।